₹3 के इस शेयर ने अपने निवेशकों को बनाया लखपति। क्या आपने भी किया है इस मल्टीबैगर स्टॉक में निवेश? हम बात कर रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के शेयरों के बारे में। 12 मई को रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर 9.90% के उछाल के साथ 34.40 रुपए पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों में ये तेजी ऐसे समय में आई है जब ये अगले कुछ दिनों में अपनी मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। रामा स्टील ट्यूब्स 1,602 करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है जो आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स के कारोबार में है। 1974 में शुरू हुई ये कंपनी स्टील पाइप्स और ट्यूब्स, कठोर पीवीसी और जेआई पाइप्स बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में से एक है। इसके अलावा ये शेयर बाजार की उन खास कंपनियों में से एक है जिसने पिछले एक साल में अपने निवेशकों के पैसे को 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। रामा स्टील के शेयर शुक्रवार यानी 12 मई को BSE पर 34.40 रुपए पर बंद हुए हैं। हालांकि एक साल पहले इसके शेयरों की प्रभावी कीमत 13.33 रुपए थी। इस तरह पिछले एक साल में इसके शेयरों की कीमत करीब 158.06% बढ़ी है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने आज से एक साल पहले इसके शेयरों में 10,000 रुपए का निवेश किया होता तो आज उसके 10,000 रुपए की वैल्यू बढ़कर 25,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई होती। रामा स्टील ट्यूब्स के शेयरों में BSE पर पहली बार कारोबार आज से करीब 8 साल पहले 28 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था। उस वक्त इसके एक शेयर की प्रभावी कीमत 2.99 रुपए थी जो आज बढ़कर 34.40 रुपए पर पहुंच गई है। इस तरह पिछले 8 सालों में इसका शेयर करीब 1050% बढ़ा है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने आज से 8 साल पहले यानी 28 अगस्त 2015 को इसके शेयरों में 10,000 रुपए का निवेश किया होता और आज तक उसे बनाए रखा होता तो उसके 10,000 रुपए की वैल्यू आज 1050% बढ़कर 1.05 लाख रुपए हो गई होती और वो लखपति होता। बता दें कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की 2री सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15-20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज़ करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ, करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब
50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की 2री सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे।